क्या अरे तोड़े जा रहे हैं हाँ वहाँ से तो अनमोल रतन आ रहे हैं मजे आ रहे हैं सब लोग फुल मतलब प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं कहीं कोई कांजीवरम खरीद रहा है कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहा है तो सब अपनी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं बट सिमी के मन में क्या सिमी बहुत खुश है अभी इस सीन में यही हुआ है कि सुबह का फोन आया मुझे अमेरिका से स्पेशली और मुझे मतलब अभी इससे पहले परम ने कभी ऐसा स्पेशल फील नहीं कराया तो एक अलग सी फीलिंग है कि उन्होंने बताया वहाँ पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप जिनसे प्यार करते हैं उनके नाम पर स्टार खरीद सकते हैं तो आज तक सुना ही था ऐसे कहानियों में कि लोग आपके लिए चांद तारे ले आएंगे और सुबह एक्चुअली मेरे लिए सितारा ले आए यानी सेलिब्रेशन काफी मतलब फुल जोर शोर से तैयारियां हैं फुल मतलब शादी अगर हुई तो बहुत जुगाड़ू और बहुत सही होने वाली है प्री टाइम आई थिंक जो भी शादियां हुई हैं कहीं ना कहीं उसमें एक यू नो मसाला होता है एंड मोमेंट पे जाके पता चलता है पर कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट एक मजा जरूर होता है तो आई थिंक इस शादी में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे इस शादी को एटली मतलब सोच रखा सेकेंड मैरिज है इतना ज़्यादा सोचना का हक नहीं बनता पर क्योंकि सब लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है तो ज्वेलरी पसंद कराई है मुझे साउथ इंडियन अभी तक सिर्फ ऐसे ऐसे वाले कपड़ों में रही हूँ अभी डिफरेंट हेयर स्टाइल डिफरेंट ज्वेलरी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है कांजीवरम पहननी है दो बार पहन चुकी हूँ तो थोड़ी हिम्मत आ चुकी है तो ये पंजाबी वेडिंग होगी या साउथ इंडियन होने वाली है साउथ इंडियन साउथ इंडियन सीखने की तैयार हो जाइए अभी मैं पूरी फुल साउथ इंडियन मद्रासन बनने के लिए तैयार हूँ थैंक यू फिर से शहनाइयाँ बजने की तैयारी हो रही है बल्ला हाउस में मेरी शादी राइट तो हाँ सिमी की शादी की तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और मम्मी जी तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड है पज्जू स्टाइल हो रही है शादी लेकिन साउथ इंडियन टच होगा उसमें बट कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है दाल में कहीं काला दिख रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है कि वो काला एग्जैक्टली क्या है सो मैं तह तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ कुछ गड़बड़ है तब नीचे कर आज देखे हैं कि काफ़ी सारे फैंस आपसे मिलने आए हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कुछ लेके भी आए हैं आपके लिए गिफ्ट क्या लेके आए आप फैंस गिफ्ट्स तो बहुत सारे आए हैं फिलहाल तो जो मिला वो डोनट्स लेकर आए थे अब अच्छी ब्राइब थी एक तरह से क्योंकि मेरे सारे यूनिट मेंबर्स के साथ हम लोग को फोटो खिंचानी थी मेरे नेबर्स थे सो डोनट्स लेके आए तो अच्छा हम अभी सारे जितने भी आर्टिस्ट बेचारों ने मेहनत किया पोज किया उन लोग के लिए जाके डोनट्स खिला दूँगी सब खुश हो जाएंगे आई लव स्वीट्स बट आई अवॉइड स्वीट्स सो अनफॉर्चुनेटली जितना आएगा मैं बांटने में ही सारा का सारा मतलब बांटी दूंगी मोस्टली बिकॉज खा तो सकती नहीं हूँ उतना ज़्यादा आज के सीन की बात करते हैं जो फिलहाल उसके बारे में कौन सा वाला ये जो अभी हमने क्या किया था हमने मीका वाला हाँ मुझे कुछ अजीब से क्लूज मिले हैं सुबह के खिलाफ खिलाफ भी ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुबह ने कहानी जो सुनाई है मुझे अपनी लाइफ को लेके वो कुछ अलग है उसकी सासू माँ ने जो सुनाई है वो अलग है और जो मेरी खुफियागिरी से जो खबर निकली है वो खबर कुछ अलग है सो यू नो मेरा जो अंदर का तंत्र मंत्र है वो कह रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है बॉस सो इसकी तह तक पहुँचना रमन तो बोलते ही मुझे जग्गा जासूस सीरियसली मतलब पता है मुझे दूसरा शो है ना दिया और बाती उसकी संध्या बिंगड़ी भी उतने केसेस सॉल्व नहीं करती होगी जितनी की इशिता करती है सॉल्व आई एम द ओनली जग्गा जासूस इन टाउन एंड अभी ये वाला भी जो मामला है इसकी चर्चा तक पहुँच चुकी है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा काफ़ी कुछ अभी तो लोगों को शक होने लगा है मुझ पर मतलब ये और ये अगर शॉट के लिए भी लगाया ना तो लोग पूछते हैं आपको सच में तो नहीं चोट लगी है ना सो आई विल टेल देम कि नहीं सच में चोट नहीं है लेकिन हाँ पैर में थी एंड इट्स स्लाइटली ट्रबलिंग मी अभी भी
हील्स पे टोज पे नहीं चलते बनता है, दर्द होता है उड़ने उड़ने में, एंड स्वेलिंग है, बैक एक है बिकॉज ऑफ दैट. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, बट देन इट्स बेटर देन द व्हील चेयर मैन, सो आई एम बेटर. थैंक यू.